रेडिनेस मेले में बच्चों के बौद्धिक विकास को जांचा। राजसमंद जिला मुख्यालय के पास राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भवानी की बगल में प्रथम एजुकेशन द्वारा स्कूल रेडिनेस मेले का आयोजन हुआ, जिसमें कक्षा पहली से दूसरी कक्षा के प्रत्येक बच्चों की माताओं को विद्यालय में आमंत्रित किया और जिसमें प्रत्येक विद्यार्थियों की शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, भाषा विकास, गणित की पूर्व तैयारी, सामाजिक भावनात्मक विकास की जाँच की गई। जाँच होने के बाद माताओं को रिपोर्ट कार्ड दिया गया। प्रथम एजुकेशन के क्लस्टर रिसोर्स लीडर कैलाश चंद्र बलई ने बताया कि ब्लॉक में प्रथम द्वारा 25 गांवों के विद्यालयों में स्कूल रेडिनेस मेले का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक हिम्मत सिंह राठौड़, नीतेश शर्मा, प्रकाश चंद्र, हेमलता राठौड़, मंजू नंदवाना, सविता जोशी आदि मौजूद थे। मोलेला में वॉलीबॉल प्रतियोगिता संपन्न। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोलेला के खेल मैदान में एक दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता हुई। उद्घाटन में अतिथियों का इकलौता पहनाकर स्वागत किया। कमनौर क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेल परिसर में एक दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में सेमीफाइनल में मैच मोलेला और बागोल के बीच हुआ। इसमें मोलेला विजेता रही। इसके बाद बडाड़ा और नाथद्वारा के बीच मैच हुआ, जिसमें नाथद्वारा विजेता रही। फाइनल मुकाबला नाथद्वारा और मोलेला के बीच हुआ, जिसमें नाथद्वारा विजेता और मोलेला उप विजेता रही। विजेता टीम को पुरस्कार दिया गया। सरपंच सचिव पहुंचे मौके पर, नाल अवरुद्ध नाले को खुलवाया। ग्राम पंचायत फियावड़ी में नाला अवरुद्ध होने से गांव में गंदगी पसरी हुई थी। ग्रामीणों की शिकायत पर सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश कर अवरुद्ध नाले को साफ करवाया। फियावड़ी पंचायत के नातुवास पूर्विया मोहल्ले में लंबे समय से नालियों का पानी अवरुद्ध होने को लेकर सोमवार को पंचायत प्रशासन मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों से समझाइश कर पानी को बहाल करने की चर्चा की। ग्राम विकास अधिकारी राजेश जोशी ने ग्रामीणों से समझाइश कर दोबारा ऐसा नहीं करने के लिए पाबंद। सूचना पर सरपंच सुरेश जाट, सहायक विकास अधिकारी राजेश जोशी, पंचायत सहायक सुरेश जाट, कन्हैया लाल जाट सहित कर्मचारी नातुवास पहुंचे, जहां पर रास्ते के बीच में मिट्टी डालकर नाले को अवरुद्ध कर रखा था। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने अवरुद्ध नाले को खुलवाया और ग्रामीणों को ऐसा दोबारा नहीं करने के लिए पाबंद किया। भक्ति भजनों पर श्रोता झूमे। आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा सोपिट रोड स्थित जीवन दर्शन आश्रम पर दिव्य सत्संग का आयोजन हुआ। बहुप्रतीक्षित दिव्य सत्संग का राजसमंद के अलावा देश भर के करीब 800 लोगों ने ऑनलाइन आनंद लिया। संस्था के राहुल चनेटे ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आर्ट ऑफ लिविंग के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक एवं सुमेरु संध्या गायक प्रवीण मेहता थे। उन्होंने भजनों की सुमधुर और प्रभावी प्रस्तुतियाँ देकर कार्यक्रम में बैठे लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। सत्संग की शुरुआत गणेश वंदना से की गई। इसके बाद जय दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सदगुरु तुम्हारे प्यारे जीना सिखा दिया, सांची प्रीत तुमसे ही जोड़ी, राधे मन बोल रे, राधे मन बोल रे सरीके शानदार भजनों की प्रस्तुतियां देकर श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में वरिष्ठ प्रशिक्षक ललित पालीवाल, अनुराग अग्रवाल, जगदीश कुमावत, विद्या सिंह, संपत लड्डा, आशीष पालीवाल, प्रवीण नंदवाना, गणेश पालीवाल, राजेंद्र जांगीर, संतोष अग्रवाल, मुकेश दादीज सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। मनुष्य के जीवन में त्याग जरूरी। कुंवरिया के जमुना वाटिका में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के समापन के अंतिम दिन संत ललित शरण महाराज ने कहा कि मनुष्य को जीवन में त्याग बहुत जरूरी है। हमें कुछ जरूरतों का त्याग करना बहुत आवश्यक है। त्याग से वैराग्य आता है और वैराग्य से भक्ति प्राप्ति होती है। सुदामा चरित्र का उदाहरण देते हुए महाराज ने कहा कि सुदामा जी ने जीवन में त्याग किया तो भगवान द्वारकाधीश उनके चरणों में बैठ गए, उनके सारे दुखों को दूर किया, उनके लिए जीवन का मार्ग प्रशस्त किया। दुख और स्थिति से घबराए नहीं, अनवरत कृष्ण का चिंतन करते रहे और यह चिंतन ही कृष्ण के दर्शनों का कारण बन गया है। भगवान सुखदेव कहते हैं, सुदामा जी के जैसा त्यागी दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण ने कृष्ण के द्वारा अपने पुत्रों को उपदेश देते हुए कहते हैं, जीवन में कभी संतों का अपमान नहीं करना चाहिए, संत भगवान का ही रूप होते हैं। शिक्षा विभाग की अनूठी पहल। शिक्षा विभाग और एजुकेट गर्ल्स संस्थान की ओर से राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के प्रचार प्रसार के लिए शिक्षा विभाग की नई पहल शुरू की है। इसके तहत भीम ब्लॉक और देवगढ़ ब्लॉक के सभी ग्राम पंचायतों में ग्रामीण क्षेत्र की 10वीं एवं 12वीं कक्षा के किशोर किशोरियों एवं महिलाओं को शिक्षण एवं पाठ्य पुस्तक निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। छात्राएँ शादी ब्याह के बाद में भी ससुराल में रहकर पढ़ाई कर सकती हैं। एक बार पंजीयन के बाद साल में 2 बार परीक्षा दे सकती हैं। 5 वर्ष में पास करने के लिए 9 अवसर मिलते हैं। यदि कोई विषय छूट जाती है तो पुनः परीक्षा दे सकती हैं। इस अवसर पर ACBEO मन्नालाल, RP प्रदीप सिंह, नारायण सिंह, घनश्याम कुमार, एजुकेट गर्ल्स संस्थान के BO हुकम सिंह,
समन्वयक माधुलाल आदि मौजूद थे। नांदोली में क्रिकेट प्रतियोगिता संपन्न। नांदोली में क्रिकेट क्लब सदस्यों की एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता संपन्न हुई। इसमें शिवम मार्बल आगरिया, राज सनाटी क्षेत्रफल ग्लास हाउस स्टील कांकरोली सिद्धार्थ पूर्विया, न्यू कृष्णा ऑटो एजेंसी कांकरोली हरीश पूर्विया, भैरू भवानी मोबाइल कांकरोली के चेतन गाडरी, महादेव कॉन्ट्रैक्टर नांदोली के मुकेश पूर्विया सहित 5 टीमों ने भाग लिया। इसमें 10 मैच 6 ओवर में हुए, जिसमें सेमीफाइनल मैच के लिए प्रथम सेमीफाइनल न्यू कृष्णा ऑटो एजेंसी कांकरोली व भैरू भवानी मोबाइल कांकरोली के बीच हुआ। इसमें न्यू कृष्णा ऑटो एजेंसी कांकरोली ने लास्ट बॉल में 1 रन बनाकर जीत दर्ज की। सेमीफाइनल में क्षेत्रपाल ग्लास हाउस स्टील कांकरोली व महादेव कॉन्ट्रैक्टर नांदोली के बीच हुआ। इसमें महादेव कॉन्ट्रैक्टर नांदोली ने 1 रन से जीत दर्ज की। फाइनल मैच महादेव कॉन्ट्रैक्टर नांदोली व न्यू कृष्णा ऑटो एजेंसी कांकरोली के बीच खेला गया। इसमें महादेव कॉन्ट्रैक्टर नांदोली ने 2 रन से जीत दर्ज कर नांदोली प्रीमियर लीग ट्रॉफी पर कब्जा जमाया।